मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 नए केस सामने आए, इनमें से 14 भोपाल से तो एक विदिशा से सामने आया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 231 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा इंदौर में 9 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उज्जैन में 2, भोपाल, खरगोन और छिंदवाड़ा में एक एक मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना से पहली मौत की खबर सामने आई है। यहां नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती 52 साल के मरीज ने दम तोड़ दिया। रविवार को इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उसे नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब भोपाल कोरोना का दूसरा गढ़ बनता जा रहा है। सोमवार को भोपाल में फिर कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इसी के साथ भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या 55 हो गई है। चिंता की बात यह है कि ये सभी संक्रमित स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। सभी को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है और इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। भोपाल में सोमवार से टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसका असर पूरे शहर में दिखाई दिया। शहर भर में मेडिकल की छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। सोमवार से केवल इमरजेंसी सेवाओं में काम कर रहे लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। गैर जरूरी काम से बाहर निकलने वालों पर FIR दर्ज करने के आदेश हैं, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। प्रशासन की तरफ से सब्जी और फल के चुनिंदा वेंडर्स को ही रिहायशी इलाकों में जाने की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर अब भोपाल और इंदौर के बाद विदिशा तक पहुंच गया है। विदिशा में कोरोना का पहला मरीज मिला। बता दें कि यहां 8 दिन पहले 10 जमातियों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहले मरीज के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। विदिशा कलेक्टर ने सिरोंज में कर्फ्यू लगा दिया है। अब वहां केवल दूध और दवा की दुकानें ही खोलने को कहा गया है, बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर उपजे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में CM ने कंटेनमेंट एरिया में काम कर रही ANM कार्यकर्ता पूनम पांडे से फोन पर चर्चा की। CM ने पूनम से काम करने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही खतरनाक क्षेत्र में काम करने के लिए उनका धन्यवाद किया। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 9 मिनट की दिवाली को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा कि PM की अपील पर देश भर के लोगों ने दीप जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सहभागिता नहीं दी, जिनकी गलती के कारण इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि नॉनवेज खाने वालों की वजह से ही भारत में कोरोना आया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरह की सुरक्षा बरती जा रही है। भोपाल स्थित CM शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर फुल बॉडी सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है। इस टनल से होकर गुजरने वाला शख्स एक बार में ही पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। CM आवास में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये टनल बनाया गया है। MP में कोरोना कैपिटल बने इंदौर में कई लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में प्रशासन अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने में जुट गया है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर FIR दर्ज करके जेल भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना के अब तक 135 मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन खत्म करने से पहले कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह रोकने की अपील की है। CM ने लिखा है कि केंद्र सरकार व्यापक चर्चा के बाद ही लॉकडाउन को खत्म करने के फैसले पर विचार करे।